हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिवार में सब अच्छा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सावधानी और प्रिकॉशंस का ध्यान रखें जो कोरोना वायरस के लिए दी गई है। ठीक है, आज की वीडियो बच्चों हम लोगों ने जो बनाई है उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि हम आपको बता सकें कि आगे हमारे लेक्चर्स की प्लानिंग किस तरीके से रहने वाली है। अभी तक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं वो YouTube के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिए हैं। अब हम लोग बहुत जल्दी ही YouTube से अपने लेक्चर्स को शिफ्ट करके अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाने वाले हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उस नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा क्या क्या सिस्टम होगा, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा और कैसे हम लोगों के लेक्चर्स वहाँ पर एक्सेस होंगे स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेन काम है स्टूडेंट वो ये है कि 11th क्लास के बहुत जल्दी, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास के पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे, एक दो पेपर बचा हुआ है और जब तक ये कोरोना वायरस की कंडीशन है उम्मीद नहीं है कि पेपर आप लोगों के दोबारा से कंटिन्यू होंगे। कुछ समय लगेगा आपके दोबारा से पेपर कंप्लीट होने में, तो ये जो बीच का समय हमारे पास में बचा हुआ है ये टाइम हमारा वेस्ट ना हो, इसीलिए हम आपके 1 अप्रैल से 11th के लेक्चर्स भी स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से हम आपके 11th के लेक्चर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हमें आपको बताना है कि कैसे आपके 11th के लेक्चर्स चलेंगे और आगे के लेक्चर्स आपके किस तरीके से रहने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 11th क्लास के लेक्चर्स की। बच्चों 11th क्लास के जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो 1 अप्रैल से कर रहे हैं। 1 अप्रैल से आपके 11th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो चलने स्टार्ट होंगे। लेक्चर्स में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू होंगे। सबसे पहले 1 वीक यानी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो आपके यूट्यूब के ऊपर चलेंगे और 7 अप्रैल के बाद हम आपको यानी 11th क्लास के स्टूडेंट को भी अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर देंगे जहां पर आप हमारे लेक्चर्स को देख पाएंगे। स्टार्टिंग का 1 वीक मैं रिपीट कर देता हूं, स्टार्टिंग का 1 हफ्ता आपके यानी 11th क्लास के जो लेक्चर्स चलने वाले हैं वो YouTube के ऊपर चलने वाले हैं। 1 हफ्ते के बाद 11th क्लास के स्टूडेंट को भी हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही काम 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी होने वाला है। शुरू का 1 हफ्ता 9th और 10th क्लास के जो लेक्चर्स हैं स्टूडेंट वो भी हमारे YouTube पर चलेंगे और 1 अप्रैल के यानी 7 अप्रैल के बाद 9th और 10th क्लास के बच्चों को भी हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट 11th, 9th और 10th क्लास के बच्चों को लेकर। 7 अप्रैल के बाद यानी 1 हफ्ता लेक्चर चलने के बाद आपको फिर हमसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड परचेज करना होगा, यानी आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास में 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस ये है कि जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है कि आप ऑनलाइन जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो मात्र 250 रुपीज़ है स्टूडेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लेक्चर्स में बिल्कुल आपको वही एक्सपीरियंस आएगा जैसे कि आप लोग क्लासरूम के अंदर अपना लेक्चर्स को सुनते थे स्टूडेंट। ठीक है, ओके। सेकेंडरी पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारे पास में यह है कि अब हमारे जो 12th और क्रैश के जो लेक्चर चल रहे हैं बच्चों वो अब से कैसे चलेंगे। देखिए, वैसे तो हम लोग मंडे से आप लोगों को अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन भैया आप लोग भी जानते हैं कि लॉकडाउन की कंडीशन है, चारों तरफ लॉकडाउन है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हमने आपको ये यूट्यूब से नए प्लेटफॉर्म पर जो शिफ्ट करने वाला सिस्टम था ये टिल 31 मार्च तक पोस्टपोन कर दिया है। यानी हम अब आपको जो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट करेंगे वो 1 अप्रैल से करेंगे। नया प्लेटफॉर्म आपका 1 अप्रैल से एक्सेस में आएगा बच्चों। 31 मार्च को जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है सभी लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद आप बड़े आराम से हमारे वेब पर जाकर या एप्लीकेशन पर जाकर वीडियो लेक्चर्स को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। 31 मार्च में हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें आप लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे डालना है, यानी आपको लॉगिन कैसे करना है, लेक्चर्स को कैसे डिलीवर करना है, उसका पूरा का पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हमारी 2 इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको। पहली इन्फॉर्मेशन दी है 9th, 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए जिनका 1 अप्रैल से 1 हफ्ते के लिए
जो जो भी लेक्चर्स होंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से यूट्यूब पर चलेंगे, और आफ्टर 1 वीक यानी एक हफ्ते के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 11th 9th और 10th के सभी स्टूडेंट से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 7 अप्रैल से पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके बाद आप स्मूथली अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। बिल्कुल यही बात मैं 12th और क्रैश के स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ, जो नए स्टूडेंट हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास में नहीं है, वो 1 अप्रैल से पहले ऑफलाइन यानी हमें कॉल करके या ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लें, उसके बाद ही आप हमारे लेक्चर्स को देख पाएंगे। अगली वीडियो बच्चों हमारी 31 मार्च में आएगी, और उस 31 मार्च की वीडियो में आप लोगों को पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा कि कैसे हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को एक्सेस करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो भी क्लासेस अभी तक आप लोगों की बंद थी लाइक मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, वो मंडे से आप लोगों की कंटिन्यू हो जाएगी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।